हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के मसाला गोभी। ग्रेवी वाली बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी मसाला गोभी बनाएंगे। लेकिन रेसिपी बहुत ही सिंपल है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। एक छोटा सा मिक्सर जार लिया है, उसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरे। इसके साथ साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा साबुत धनिया, और इसके साथ डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद तिल। यहाँ पर आप काजू या बादाम कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास काजू या बादाम कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, और इसके साथ साथ डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा खरबूजे के बीज। यह मैंने सुखा कर रखा था, साफ़ करके धो के सुखा कर रखा था। और ये ले रही हूँ मैं थोड़ा सा खोबरा, सूखा खोबरा मतलब सूखा नारियल। आप यहाँ पर ताज़ा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम डाल देंगे ये भुना हुआ मूंगफली का पाउडर है। आपके पास अगर पाउडर नहीं है तो आप मुट्ठी भर मूंगफली ले लीजिए, उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए और डाल दीजिए। मेरे पास पहले से ही पाउडर बना हुआ है, इसीलिए मैं यही डाल दे रही हूँ। यहाँ पर मैं 5-6 टेबलस्पून जितना अपने पसंद के हिसाब से डाल देती हूँ। और अभी हम इसके साथ साथ डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर मैंने लिया है रफली चॉप करके, ये मैं अभी डाल देती हूँ। और मैं डालूँगी थोड़ी सी हरी मिर्च। आप यहाँ पर सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी सी हरी मिर्च ले रही हूँ और बाद में थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करूँगी। अभी इनको अच्छे से पीस कर लाते हैं, अच्छा सा स्मूथ सा महीन सा पेस्ट बना कर लाते हैं। इसमें बहुत सारे खड़े खड़े चीज़ें हैं, जो कि जीरा, धनिया, तिल, खरबूजे के बीज, तो ये सब महीन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम लेकर पीसना है और थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, नहीं तो अच्छे से नहीं पीस पाएगा। और महीन सा पेस्ट बनाकर लाना है। यहाँ पर देखिए, मैंने फूल गोभी काट के धोकर ले लिया है। साइज़ अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने गोभी को धोकर थोड़ा पानी डाल के ले लिया है एक सॉस पैन में। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। अभी इसको उबालना है। ऐसे नॉर्मली इसको ना भी उबाले तो भी चलता है, लेकिन अभी गोभी का सीज़न ख़त्म हो चुका है और अभी इस ऑफ सीज़न की गोभी खाने से थोड़ा सा गैस भी होता है और इससे थोड़ी बदबू भी आती है, इसीलिए मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, लगभग 20-25% तक कुक हो। और एक उबाल आने के बाद 4-5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है। 4-5 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और पानी निकाल लेंगे। पानी रखना नहीं है, इस पानी को निकाल के फेंक देंगे, तभी हमें जो गैस होने का जो प्रॉब्लम होता है या ऑफ सीज़न के गोभी में, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और नमक मैंने डाला है ताकि नमक का स्वाद अंदर तक जाए। मैंने पानी निकाल के ले लिया है, इसको रख देते हैं साइड में और इंडक्शन पर कढ़ाई बिठा लेते हैं। कढ़ाई मैंने बिठा लिया है, हीट ऑलरेडी चालू है पहले से। तेल डाल देते हैं, ये रिफाइंड तेल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तेल अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तेल में हम फूलगोभी को भून लेंगे, मतलब फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, बहुत ही थोड़ा सा हींग डाला है। और तेल ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का गर्म है। इस तेल में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और हल्दी डाल के हम फूलगोभी को फ्राई करेंगे। हल्दी अगर ज़्यादा गर्म तेल में डाला जाए तो ये फटाक से जल जाता है, इसीलिए मैंने हल्का गर्म तेल में थोड़ी सी हल्दी डाला है और गोभी डाल दे रही हूँ। हल्दी इसीलिए डाला है ताकि गोभी का कलर बहुत अच्छा है, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। गोभी को हम 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। हीट को मीडियम पर रखेंगे और 5-6 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा, हमने जो गोभी को उबाला है वो उबला हुआ स्वाद चला जाएगा और फ्राई किया हुआ बहुत ही अच्छा सा एक स्वाद आएगा। 4-5 मिनट मैंने भून लिया है। अभी हम डाल देंगे ये मसालों का पेस्ट। इसके साथ साथ मसालों का मतलब मिक्सर का जार धोकर थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ताकि मसाला वेस्ट ना हो। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें अभी मसालों को कुक करना है, तो ज़्यादा पानी के अंदर कुक नहीं करना है, तो फूलगोभी बहुत ही पिलपिली सी हो जाएगी। अच्छे से मिला लेते हैं।
मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली थी मसालों के साथ। अभी यहाँ पर मैं लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ करूँगी। पहले थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालते हैं ग्रेवी के लिए, और जितना तीखा चाहिए उसके हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालते हैं। और अभी डालेंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम शाही गरम मसाला। अगर नॉर्मल गरम मसाला यूज़ करना हो तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है। यह शाही गरम मसाला मैंने घर पर बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्वादानुसार नमक डाल देते हैं। नमक हमने गोभी को उबालते समय डाला था, मतलब कि गोभी के अंदर नमक का स्वाद है, लेकिन नमक का जो पानी है वो हमने फेंक दिया है। इसीलिए ग्रेवी के लिए जितना नमक चाहिए बहुत ही ध्यान से उतना ही नमक डालना है। अच्छे से मिला दिया है, मिलाकर ढककर कुक करेंगे तब तक जब तक कि मसालों के ऊपर से तेल नहीं दिखने लग जाता और मसाला सूखा सूखा सा नहीं दिखने लग जाता। आप देख सकते हैं मसालों के ऊपर से तेल दिखने लग चुका है। मैंने तेल ज़्यादा डाला नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं कि ये तेल दिख रहा है और मसाले की क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, और देखिए नीचे से चिपक रहा है। अभी हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। अपने हिसाब से पानी डालें, जितना आपको ग्रेवी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके हिसाब से। ज़्यादा पतली चाहिए तो ज़्यादा डालें, कम मतलब थोड़ी गाढ़ी चाहिए तो थोड़ा कम डालें पानी। मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं करने वाली, तो अपने हिसाब से पानी डाल देती हूँ। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि अच्छा सा एक उबाल आ जाए, क्योंकि किचन में फैन चालू है इसीलिए। बहुत अच्छा सा उबाल आ चुका है, अभी हम खोला ही पकाएंगे। और खोला तब तक पकाएंगे जब तक कि फूलगोभी 100% कुक नहीं हो जाती और ग्रेवी कंसिस्टेंसी हमारी मनपसंद की नहीं हो जाती। आप चाहे तो अभी भी ढक सकते हैं, लेकिन मैं अभी और नहीं ढक रही हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी कंसिस्टेंसी हमारी मनपसंद की हो चुकी है, मतलब मेरी मनपसंद की हो चुकी है। और मैंने फूलगोभी को भी चेक किया है, बहुत अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए ग्रेवी, हम जब निकालेंगे थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ये, तो और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अभी मैं डाल देती हूँ फ्रेश कटा हरा धनिया, मिला लेते हैं अच्छे से। आपके पास अगर हो भुना हुआ जीरा धनिया का पाउडर तो आप वहाँ से हाफ टी स्पून जितना डाल दीजिएगा। मेरे पास अभी नहीं है, वो अगर डालते तो और भी अच्छा स्वाद आता। आपके पास अगर हो तो डाल दीजिएगा। अभी हम हीट को बंद करेंगे और सब्जी को सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, दिखने में कितना बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, और स्वाद में यह तो लाजवाब है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। तो प्याज लहसुन वाली जो मसाला गोभी है उससे ज़्यादा आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।